हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल की मदद से गूगल के ही एक प्रोडक्ट की मदद से हम अपनी वेबसाइट में इंस्टेंट ट्रैफिक कैसे लेकर आए गूगल बहुत सी तरीकों को हम ब्लॉगर्स को देता है जिसकी वजह से हम अपनी वेबसाइट में इंस्टेंट ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल का ही जो एक प्रोडक्ट है गूगल ट्रेंड उसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट में अपनी ब्लॉग वेबसाइट में ट्रैफिक कैसे लेकर आए तो उसके लिए आपको नॉर्मली गूगल में जाना है गूगल में सर्च करना है गूगल ट्रेंड गूगल ट्रेंड जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी आपके पास ट्रेंड डॉट गूगल डॉट कॉम आपको उसमें क्लिक करना है क्लिक करने के बाद उसको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद अगर आपका क्रोम ब्राउज़र या फिर जॉनसअप ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हो उसमें अगर आप पहले से लॉग इन हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंटली ट्रेंडिंग इसी के नीचे आप देखेंगे मोर ट्रेंडिंग सर्चेज तो उसी में आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आज की डेट में या फिर आज से दो से तीन हफ्ते पहले मतलब आज से एक हफ्ते पहले तक का जितना भी ट्रेंड होगा वो आपको इसके नीचे से दिखना शुरू हो जाएगा और ये ऊपर के जितने भी ये टॉपिक्स हैं जितने भी ऊपर की ये दिख रहा है ये सर्च ये आज का है थे? आप देख सकते हैं चार घंटे पहले दो घंटे पहले बीस घंटे पहले जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसका समय और ट्रेंड का समय जो है बढ़ता जाएगा और जितना आप टॉप पे रहेंगे वो उतना ही ट्रेंडिंग रहेगा तो आप सबसे पहला देख सकते हैं बी जी एम आई यानी कि जो अभी हमारा पबजी एंड्रॉयड मोबाइल पे लॉन्च हुआ था वो अब आई यानी कि एप्पल फ़ोन में भी आ चुका है या फिर आने वाला है इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें तो उसके लिए हो सकता है कि कोई ऑफिशियल बी जी एम आई पबजी वालों की तरफ से कोई नया अपडेट निकल कर आया हो उस वजह से इसके लिए इस पर सर्चेज ज़्यादा बढ़ गए हैं दो लाख डेली के सर्चेज हो रहे हैं पिछले पाँच घंटे में अभी तक दो लाख सर्च हो चुके हैं सिर्फ बी जी एम आई आई एस ओ आई ओ एस मोबाइल के लिए दूसरा नाम पे दूसरे नंबर पे ये कैटरीना कैफ से रिलेटेड कुछ आ, सर्चेज हो रहे हैं पिछले एक घंटे में पिछले पाँच घंटों में जो कि एक लाख से भी ज़्यादा है इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी सर्चेज हो रही हैं जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे सर्च का वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता जाएगा और उसी तरह से ये काम करता है अभी आप लोगों को एक बात अगर बताएं कि अभी आज से करीब एक से दो महीने पहले टीवी में एक ऐड चली थी कि जिसमें एक औरत थी वो अब किसी से पूछती है कि सिलवट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो ये जब ऐड लॉन्च हुई थी एड लॉन्च हुई जैसे ही टीवी में ये ऐड आई थी उसके कुछ ही घंटे बाद आ, ट्रेंडिंग में इसकी सर्चेज करीब मिलियंस में थी तो आप समझ सकते हैं ट्रेंडिंग कैसे बनता है अगर किसी चीज़ को नए नय, नया कोई चीज़ अगर मार्केट में आता है तो उसी से रिलेटेड अगर आप आर्टिकल पहले से लिख कर रखते हैं तो आपका वो आर्टिकल हंड्रेड परसेंट रैंक करेगा और रैंक नहीं भी किया फिर भी उसमें इतनी ज़्यादा सर्चेज होते हैं कि अगर टॉप ट्वेंटी में भी अगर आप हैं तो अच्छा खासा आपको ट्रैफिक मिलेगा तो उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल था नहीं और हम इसीलिए उसको रिकॉर्ड या फिर कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए लेकिन हम गूगल मेरी ब्लॉग वेबसाइट तो करीब दो साल पुरानी है इसलिए हम ट्रेंड वगैरह चेक करते रहते हैं तो उस वक्त जब ये नई नई ऐड आई थी तब हम इसे चेक किए थे और इसमें मिलियंस करीब दो दो घंटे में एक एक मिलियन से भी ज़्यादा सर्चेज हो गए थे जिसकी वजह से उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आया था जिन जिन लोगों ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा था या फिर जिन जिन लोगों ने उसके बारे में यूट्यूब में भी बताया था तो इसी तरह से गूगल ट्रेंड काम करता है गूगल ट्रेंड वही है जो कि आपको एकदम रियल टाइम की लोकेशन रियल टाइम एकदम बताता है कि आप इस वक्त प्रेजेंटली लोग क्या सर्च कर रहे हैं जी और बहुत सारे जो एसी टूल्स हैं जैसे एच हो गया सी हो गया या फिर मोज हो गया ये सभी आपको रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं देते अगर एक दो तीन महीने से अगर कोई चीज़ कोई कीवर्ड अगर सर्च हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं गूगल से डाटा खरीदते हैं अगर मान लीजिए तीन महीने पहले पहले अगर किसी आ, ओ... कीवर्ड पे इतने सर्चेज हो रहे थे तो गूगल से वो डाटा खरीदेंगे खरीदने के बाद फिर वो अपने आ, प्रोग्राम में डालेंगे तब उन्हें पता चलेगा हाँ इस कीवर्ड पे इतने सर्चेज इतने वॉल्यूम हैं इतने लोग सर्च कर रहे हैं तब वो डाटा हमें दिखाता है वो बहुत पुराना डाटा दिखाता है गूगल ट्रेंड्स एकदम रियल रियल टाइम डाटा दिखाता है जो कि इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं पूरी तरह से इसमें कोई दो राय नहीं है तो अगर आपको कोई सुझाव हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ से करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया कर लें क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं